संदेश खाली कांड बंगाल की सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। संदेश खाली में हुई शर्मनाक घटना पर जहां सियासत अपने शबाब पर है, तो वहीं अब कलकत्ता हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। हाईकोर्ट में संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार की जांच के लिए बने आयोग के गठन पर जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भले ही संदेश खाली पीड़ितों के आरोप 1% ही सच क्यों ना हो, वो शर्मनाक हैं। अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार हैं। सुनवाई के बाद मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बोले तो हमें अटकानो जाबे ना जाए नहीं जाबे ना যা পরিস্থিতি আছে সেটা আমি একদম পরিষ্কার দেখিয়েছি। আমি কোর্টের সামনে বলেছি যে যদি আমার একটাও এফিডেভিট ভুল হয়, যদি একটাও জায়গা আপনি প্রুফ করতে পারেন যে আমি সত্যি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিনি, তাহলে যা এরা বলবে সেটা আমি করতে রেডি আছি, ঠিক আছে? কিন্তু ওদের এত সাহস আছে? আর যদি সাহস আছে তাহলে ইনভেস্টিগেশনে ঘাবড়াচ্ছে কেন? संदेश खाली मामले में बंगाल की ममता सरकार चौतरफा घिरती दिख रही है। गुरुवार को कोच बिहार में रैली करते हुए पीएम मोदी ने संदेश खाली मुद्दे पर सरकार को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। बीजेपी ही है जो यहाँ माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल सरकार को घेर रही है, तो वहीं टीएमसी सीए एनआरसी और रोजगार पर बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी ने संदेश खाली को मुद्दा बना लिया है। संदेश खाली पर बीजेपी टीएमसी को किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं है। हर बदलते दिन के साथ बंगाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं।